नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल के आर मार्केट गुरुकुल में, के आर एमजी स्टूडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से आसान ट्रेडिंग सेटअप्स हैं जिनका यूटिलाइज आप कर सकते हो और यूटिलाइज करके अच्छे पॉइंट्स आप इनके अंदर ग्रैप कर सकते हो इन अ लॉजिकल अप्रोच। हर एक चीज का रीजन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेना है तो क्यों लेना है और कैसे लेना है, राइट? तो चलिए लेट अस स्टार्ट। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते जो ट्रेडिंग सेटअप्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एक्सलेंटली वर्क हुए है निफ्टी के अंदर। अराउंड मतलब कि 120-125 पॉइंट की रैली निफ्टी के अंदर देखने को मिली है। जो बोला गया था, जो जोन इसके अंदर ड्रॉ किए गए थे, पहले निफ्टी यहां तक ही था, तो निफ्टी यहां तक रहने के बाद बोला गया था कि अभी ये जोन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए या इस जोन में जाने के बाद रिवर्सल चाहिए। तो गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ है तो अप ट्रेंड मतलब पॉजिटिविटी ही इसके अंदर थी। उसके बाद ये वाला कैंडल फिर जोन के अंदर लेके गया, जोन में सस्टेन हुआ, जोन में रुका और जोन में रुकने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट टू द जोन, उसके बाद रिट्रेसमेंट, रिजेक्शन फ्रॉम द जोन और उसके बाद अराउंड 120 प्लस पॉइंट्स की रैली विद द स्टॉप लॉस ऑफ ओनली एंड ओनली 40 पॉइंट्स। तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 120 पॉइंट की रैली, सो 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, काफी बढ़िया आउटकम इसके अंदर मिला है। अब यदि आप डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी को दोस्तों कंपेयर करोगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ऑल टाइम हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, राइट? तो अभी निफ्टी में सेलिंग के लिए कैसे देखना है, कब देखना है, क्यों देखना है, वो भी हम लोग आगे वीडियो में, मतलब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वहां पे हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं, राइट? अभी चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे जो सेटअप हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेम एज ऑफ द निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर आया, ऊपर आने के बाद जोन में ही सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद वो जोन में थोड़ा साइडवेज, फ्रेश ब्रेकआउट, रिजेक्शन यहीं से आ रहे थे और रिजेक्शन आने के बाद और एक नया हाई बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लगाया है। तो बैंक निफ्टी के भी अंदर अराउंड 300 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे मतलब की हुआ है। तो और इसमें जो स्टॉप लॉस है, जो जोन था, तो जोन अराउंड 150 पॉइंट का जोन था, तो 150 पॉइंट के साथ यदि स्टॉप लॉस के साथ मिल रहा है, मतलब 1:2 मिनिमम बैंक निफ्टी ने दिया है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस क्यों था, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी बहुत पहले से रैली कर रहा है, बैंक निफ्टी ने ही पहले निफ्टी को सस्टेन करवाया है इन अपर डायरेक्शन, तो उसके अंदर भी मतलब कि थोड़ा सा थकावट, थोड़ी सी जो मतलब जो बैंक निफ्टी है उसने थोड़ा सा आराम किया है और अभी वो निकला है फ्रेश ब्रेकआउट देके, राइट? तो अभी इसके अंदर और भी पॉजिटिविटी की संभावनाएं है, राइट? तो अभी पहले देख लेते हैं दोस्तों कि FIIs और DIIs कैसे है अभी। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो FIIs और DIIs का क्या बोलना है। तो दोस्तों FIIs आप यहां पे देख सकते हैं, ये FIIs है और ये DIIs है। तो FIIs अभी बहुत बढ़िया खरीदारी उनके ऊपर हावी है, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मंथ में, पहले हफ्ते में, पिछले हफ्ते में FIIs की जो बाइंग थी वो निगेटिव में थी, ओवरऑल बाइंग मतलब उन्होंने वो बिकवाली करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अभी खरीदारी तगड़ी कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने खरीदना शुरू किया है, मार्केट नया हाई बनाने के लिए रेडी रहा है, मतलब मार्केट को कुछ नया करना है, बड़ा करना है, तो FIIs को अग्रेसिव होना काफी जरूरी है। ये डेटा को ऑब्जर्व करके हमें यही समझ में आ रहा है, क्योंकि DIIs ने मार्केट को सस्टेन रखा, DIIs भी इक्वली रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ नया और बड़ा यदि करना है, मार्केट को कुछ नए और बड़े मूव्स देने हैं, तो फिर FIIs को ही एक्टिव रहना होता है, DIIs सिर्फ उसको संभाल सकते हैं, राइट? तो चलिए अभी विल स्टार्टअप की अभी क्या करना है, अगले हफ्ते के लिए आपको कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ मतलब आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में तो आपको मैंने दिखा दिया है कि डेली टाइम फ्रेम में अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड करने के कारण मतलब यहाँ पे जो है सेलिंग के लिए आपको फिलहाल नहीं सोचना है। ये जोन के नीचे जब तक नहीं क्लोजिंग देता है तब तक सेलिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है,
क्योंकि यदि इसको इतना अच्छी तरीके से ऊपर लेके गए हैं तो और भी कंटिन्यूएशन इसके अंदर आ सकता था, क्योंकि देखिए यहां से एक बार वो रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता था, यहां भी रिजेक्शन लिया नीचे आ सकता था, उसको नीचे यदि जाना रहता था तो नीचे की संभावनाएं थी, लेकिन उन्होंने उसको फिर से ऊपर लाया है। तो अब ऊपर लाने के बाद इसको अपर डायरेक्शन में ही आप देख सकते हैं। फ्रेश बाइंग आपको फिलहाल करना है तो जोन के इर्द गिर्द कर सकते हैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे और एक चीज हो सकती है कि कोई बड़ा इवेंट क्रिएट कर दे, कोई बड़ी न्यूज क्रिएट कर दे और धड़ाम से एक वियर्ड कैंडल यहाँ पे डाउनसाइड बने, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा। ऐसा भी कर सकते हैं डराने के लिए, राइट, तभी भी जब तक जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है हम थोड़ा सा बिंदास्त इसके अंदर रह सकते हैं, लेकिन हमें एंट्री लेना है तो प्रॉपर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज करके ही एंट्री लेना है। ऐसे नहीं है कि पॉजिटिविटी है तो फिर कहीं भी जाके एंट्री आप ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है, राइट। अभी देख लेते हैं कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोगों को क्या देखना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो काफी बढ़िया अपवर्ड डायरेक्शन में वो गया है, तो अभी तो भाई उसको थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। ये जोन के इर्द गिर्द यदि आता है, मतलब बाइंग के लिए यदि आपको सोचना है, नई बाइंग अभी इसके अंदर इनिशिएट करनी है क्योंकि बाइंग तो ऑलरेडी हो चुकी है। जो लोग नए से बाइंग करना चाह रहे हैं, जिनके पास कोई भी अभी होल्डिंग नहीं है, तो वो लोगों को मेरी यही राय है, हम लोगों की यही राय है कि अभी 12,160 के इर्द गिर्द ये जो जोन बना है 40 पॉइंट का, ये जोन के इर्द गिर्द ही उसे आने दे, सस्टेन होने दे, वहां से कुछ आपको रिवर्सल की साइन मिलने दे, देन ओनली आप 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके फिर से ये टारगेट के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप मतलब क्विक बाइंग इतने ऊपर जाने के बाद करें, राइट। तो अभी उसमें यदि अगले हफ्ते में कोई स्ट्रक्चर बनता है तो फिर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर मुझे नजर आता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये जो मूव हुई है काफी अग्रेसिव मूव हुई है, तो थोड़ा रुकना ही बेहतर रह सकता है इन बाइंग साइड, राइट। और सेलिंग के लिए दोस्तों इतना लाइफ टाइम हाई के ऊपर है तो उसको इजीली वो नीचे नहीं आएगा, तो उसको कुछ बड़ा करने दे, ये जोन के नीचे कुछ अग्रेसिवली जाने दे, वो जोन से फिर रिजेक्शन आने दे, मतलब थोड़ा कंफर्मेशंस भी सेलिंग साइड जो चाहिए वो मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए, सिंगल कंफर्मेशन के साथ इसको ट्रेड यदि आप करोगे सेलिंग साइड का थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो बढ़िया रह सकता है, राइट। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की तरफ रुख हम लोगों का लेके चलते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी ये जो है ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का, राइट। तो बैंक निफ्टी में अभी हम लोगों को मतलब आपको तो आप देख रहे हैं कि बढ़िया सा अपमूव दिया है, तो सेलिंग तो फिलहाल के लिए नहीं सोचनी है, जोन की इर्द गिर्द ही रिजेक्शन पे नई तरीके से फ्रेश बाइंग आप इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैंने यहाँ पे भी बोल दिया है कि फ्रेश बाइंग करना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जोन के इर्द गिर्द आने का और रिवर्सल मिलने का, तभी जाके आप मतलब यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपको ओनली एंड ओनली 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे आ रहा है और 32,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी इसके अंदर है, तो बढ़िया वहां पे मिल सकता है, लेकिन सेलिंग के लिए उसे थोड़ा कुछ बड़ा करने दे। कंफर्मेशन भाई हमें मल्टीपल ही चाहिए, सिंगल कंफर्मेशन के साथ इसको हमें ट्रेड नहीं करना है। सो अगले हफ्ते की जो रणनीति है मैंने आपको बोल दी है कि किस हिसाब से आगे बढ़ना है, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो हमें जो आउटकम है बढ़िया आउटकम इसके अंदर हमें बिल्कुल मिल सकता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ प्रॉपर पॉजिटिव इनपुट्स ये वीडियो से मिले हो, आपको आपके ट्रेडिंग के लिहाज से भी ये वीडियो हेल्पफुल मतलब कि रहना चाहिए, आपको इससे कुछ पॉजिटिव इनपुट्स मिले और उन्हीं को आप अपने ट्रेडिंग में यूटिलाइज कर सकते हो। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट ये मोटिवेशन बना रहे, सारी चीजें आपकी तरफ लॉजिकली हम लोग भी प्रोवाइड कर पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस यू।